दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर। लाइव आएंगे, माहौल बताएंगे सिर्फ ललन टॉप यूपी चैनल पर। तो तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी। लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। 12 सितंबर यानी रविवार को इंडियन एक्सप्रेस अखबार के फ्रंट पेज पर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का फुल पेज विज्ञापन छपा। हेडिंग थी ट्रांसफॉर्मिंग उत्तर प्रदेश अंडर योगी आदित्यनाथ, यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा है। जाहिर है कि विज्ञापन में बताया गया कि भाजपा सरकार के आने के बाद यूपी काफी बेहतर हो गया है, लेकिन यहाँ एक गलती हो गई। गलती ये कि विज्ञापन में एक फ्लाईओवर की फोटो इस्तेमाल की गई, पर ये फ्लाईओवर निकला कोलकाता का। तुरंत ही ये गलती पकड़ में भी आ गई और सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल गलियारों में यूपी सरकार को बुरी तरह ट्रोल किया जाने लगा। बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इस पर लंबा चौड़ा बयान जारी किया। लिखा, 12 सितंबर के संडे एक्सप्रेस में एक फोटो छपी जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट खड़े हैं। उनकी तस्वीर के साथ पश्चिम बंगाल के एक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी फोटो लगी हुई है। अगर आप कोलकाता के इंफ्रास्ट्रक्चर से परिचित हैं तो आप इसमें ITC सोनार बांग्ला और JW मैरियट देख पाएंगे, साथ ही पीली टैक्सी भी है। यूपी की भाजपा सरकार इतना नीचे गिर गई है कि बंगाल की उपलब्धियों को अपना बताने लगी है। TMC नेता मुकुल रॉय ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी को बचाने के लिए इतने लाचार हो गए हैं कि मुख्यमंत्रियों को बदलने के अलावा अब ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटो इस्तेमाल करने लगे हैं। अभिषेक बनर्जी ने इस पर ट्वीट किया, योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी को बदलने का मतलब है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले बंगाल से इंफ्रास्ट्रक्चर की फोटो चुरा कर लगा लो। लगता है कि भाजपा के सबसे ताकतवर राज्य यूपी में डबल इंजन मॉडल बुरी तरह फेल हो गया है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, ऐसा विकास न सुना होगा न देखा होगा। कलकत्ता का फ्लाईओवर खींचकर लखनऊ ले आए हमारे CM आदित्यनाथ जी, भले ही विज्ञापन में ले आए लेकिन लाए तो। सपा ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री के झूठ की फिर खुल गई पोल, विज्ञापनों में जनता का पैसा पानी की तरह बहाने वालों के पास दिखाने के लिए अपना किया कोई काम नहीं तो कोलकाता में हुए निर्माण की तस्वीर छापकर जनता को कर रहे गुमराह, शर्मनाक। यह झूठ बोलने में नंबर एक भाजपा सरकार, जिसके दिन हैं बचे चार। इस पर इंडियन एक्सप्रेस का पक्ष भी आ गया है। अखबार ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश पर बने एक एडिटोरियल में इस्तेमाल गलत फोटो अखबार के मार्केटिंग विभाग की लगाई हुई थी, गलती के लिए खेद है, सभी डिजिटल एडिशन से फोटो हटा दी गई है। अखबार की सफाई के बाद यूजर उसे भी ट्रोल कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। शुभ्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, क्या आपका मार्केटिंग विभाग छापने से पहले कोई फैक्ट चेक नहीं करता। यूजर डॉक्टर दिनेश गोयल ने लिखा, विज्ञापन तो कस्टमर की तरफ से दिया जाता है, पेपर की तरफ से नहीं, लेकिन आप अच्छा कवर अप कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि फोटो तो क्लाइंट यानी यूपी सरकार की तरफ से आई होगी, लेकिन माफी अखबार की तरफ से आ रही है। ट्विटर पर हैशटैग चोरी का विकास भी ट्रेंड हो रहा है, लोग सरकार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कुछ ट्वीट्स आप भी देखिए। मसले पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, जिस अखबार के विज्ञापन के आधार पर विपक्ष को एक मुद्दा मिला था, उस अखबार ने स्वयं स्पष्ट कर दिया कि ये मार्केटिंग विभाग की गलती की वजह से गलत विज्ञापन चला गया। भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से विकास किया है, हमें किसी दूसरे राज्य के विकास के चित्र दिखाने की जरूरत नहीं है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि यूपी को किसी दूसरे राज्य के चित्र दिखाने की जरूरत नहीं है और विपक्ष इसके आधार पर सरकार को बदनाम ना करे। वहीं यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, ममता जी भी जानती हैं कि उत्तर प्रदेश एक जमाने में बीमारू प्रदेश हुआ करता था, तब वे अखिलेश यादव से मिलने आती थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद से जो विकास कार्य हुए हैं वह उनके लिए हैरत की और परेशानी वाली बात है। यूपी में रोहिंग्या आतंकवादी समर्थक सरकार नहीं है, यहाँ घुसपैठियों वाली सरकार नहीं है,
यहाँ विकास पर सरकार बनी है। उनके यहाँ जब सरकार बनती है तो रोहिंग्यों को भी साथ लिया जाता है, घुसपैठियों की मदद ली जाती है, आतंकवादियों की मदद ली जाती है। यहाँ पर जो उनके सहयोगी हैं वह भी यही करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हमारा कोई मॉडल ममता जी को पसंद आया हो और हमारे मॉडल को उनके लोगों ने अपना लिया हो। हर राजा चाहता है कि उत्तर प्रदेश की तरह वह भी विकास में अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अभिषेक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।